सो लेट स्टार्ट सबसे पहले आता है कि हमें ना रिसर्च करना चाहिए कि कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट पे हमें लोन देगी आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इसीलिए ना बैंक काफ़ी ट्राई करके कि वो पॉइंटर से इंटरेस्ट कम करके आपको एजुकेशन लोन बेच सके आपको एजुकेशन लोन दे सके इसीलिए हमें मार्केट का और बैंक्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और उस हिसाब से ही हमें फिर बैंक में जाके अप्लाई करना चाहिए एजुकेशन लोन के लिए क्या आपको पता है काफ़ी सारे कास्ट के जो ट्रस्ट होते हैं ना वो एजुकेशन लोन फ्री में देते या बहुत कम इंटरेस्ट पे देते हैं तो अगर आपका भी कोई कास्ट का ट्रस्ट है तो पहले जाके उनको अप्रोच करो और फिर ही आप बैंक के पास अप्रोच कर ला, अगर आपको कास्ट से लोन नहीं मिलता है तो क्योंकि कास्ट के जो लोन्स होते हैं एजुकेशन लोन्स वो काफ़ी सस्ते रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी फ्री भी मिल जाते हैं आपको एजुकेशन लोन्स यानी कि आपको सिर्फ एजुकेशन लोन रीपे करना रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट रिपे नहीं करना पड़ता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी, भी बैंक से लोन लेने जाते हैं ना हमको लगता है कि इंटरेस्ट रेट एक ही फैक्टर है जो हमें चेक करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन बट दैट इज़ नॉट ट्रू अगर कोई बैंक हमें एजुकेशन लोन दे रही है सेवन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट पे और कोई बैंक दे रही है सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट पे तो हम यूजली ये सोचेंगे कि सेवन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट वाला इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है उसी से लोन अप्लाई करते हैं बट दैट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि ना हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी चेक करने चाहिए हिडन कॉस्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए सच एज लोन प्रोसेसिंग फीस अगर आप डीलेट पेमेंट करते हो तो उस पर पे कितना पेनल्टी लगेगा ये सब भी आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना चाहिए सो इंटरेस्ट रेट प्लस जो आपके हिडन कॉस्ट है वो सारा कैलकुलेट आपको खुद को करना है और फिर ही आपको कोई भी लोन के लिए अप्लाई करना है बैंक में देर आर ऑलवेज टू वेज टू अप्लाई फॉर अ लोन एक रहता है डायरेक्टली आप बैंक के पास जाओ और लोन के लिए एप्लीकेशन दे दो और सेकेंड रहता है कि आप एजेंट के थ्रू जाओ मेरा मानो हमेशा ना डायरेक्टली बैंक से लोन लेना क्योंकि आप अगर एजेंट के पास जाते हो ना तो वो मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा देंगे और उनका ना बहुत बड़े बड़े कमीशन रहते हैं जब भी वो लोन बेचते हैं इसीलिए ना आपको समझेगा भी नहीं आपको लगेगा यार बैंक और एजेंट तो सेम इंटरेस्ट रेट दे रहे बट जो लोन प्रोसेसिंग फीस है जो पेनल्टी चार्जेस है और बाकी जो हिडन कॉस्ट रहते हैं ना वो एजेंट्स में ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू बैंक इसीलिए इट इज़ प्रेफर्ड कि आप हमेशा बैंक से लोन लो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एजेंट क्योंकि अगर आप एजेंट से लोन लोगे तो आपको काफ़ी लोन महंगा पड़ेगा और आपको समझेगा भी नहीं और अगर आप बैंक से डायरेक्ट लोन लेते हो तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे एज अ स्टूडेंट ना हम क्या गलती करते हो? पता है हम टॉपअप लोन के लिए अप्लाई करते हैं हमेशा याद रखना हमें ना टॉप अप लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है टॉप अप लोन का मतलब है कि आपका जो एग्जिस्टिंग लोन रहेगा उसके ऊपर आप एडिशनल लोन ले सकते हो हमेशा याद रखना कि अगर आप टॉप अप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है इसीलिए आपको नॉर्मल एजुकेशन लोन के लिए ही अप्लाई करना है ना कि टॉप अप लोन के लिए इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे लोन लेते वक्त ना हम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है हमें लगता है कि हमारी फ्यूचर सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम के लिए लोन ले रही हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यार बारह पंद्रह अठारह लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा फर्स्ट ईयर में बट ये काफ़ी केस में ऐसा सेम नहीं होता है क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो पॉसिबल है कि आपको सात आठ नौ दस लाख का ही पैकेज मिले या फिर अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन चल रहा है मार्केट में क्राइसिस हो रहे तो फिर पॉसिबल है कि सैलरी पे कट हो जाए तो फिर आपका ना जो लोन लेते वक्त ना आपको हमेशा एक रियल एक्सपेक्टेशंस रखने हैं सैलरी के ना कि कुछ भी आप एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि आपका सैलरी वो बहुत ज़्यादा आपके लोन पर अफेक्ट करता है पॉसिबल है कि आपने पंद्रह बीस लाख का पैकेज एक्सपेक्ट किया था और फिर ना आपने लोन मैक्सिमम अमाउंट का लिया अब जब आपको सेवन एट लाख का पैकेज मिला तो आप शायद लोन रीपे कर पाओ इतना आप नहीं कमा रहे हो एंड फिर आपके लिए ना आपका फैमिली से पैसा लेना पड़ेगा और लोन चुकाना पड़ेगा सो इफ़ यू डू नॉट वांट कि आप डेड लो फैमिली से या फैमिली आपके लिए लोन रीपे करे तो हमेशा एक रियल सैलरी एक्सपेक्टेशन रखना हम स्टूडेंट्स की ना एक बहुत बुरी आदत है वो है प्रोकास्टिनेट करना या फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल लेने लगते हैं वो फिर असाइनमेंट हो या आपका मनी रिलेटेड मैटर हो बट याद रखो जब आपने एजुकेशन लोन लिया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इसीलिए आपको हमेशा कंसिस्टेंटली ड्यू डेट से पहले इसका रीपेमेंट करना रहता है अगर आप नहीं करते हो या आप कैजुअल बन के डीले पेमेंट करते हो तो फिर आपको इस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी यानी कि बहुत ज़्यादा आपको इस पर चार्जेस लगता है पेनल्टी लगता है एंड सेकेंड चीज़ आती है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होगा तो अगर आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखना है और पेनल्टी से बचना है तो ड्यू डेट से पहले आपका एजुकेशन लोन आप रीपे कर देना लास्टली क्या आपको पता है आपने जो इंटरेस्ट पे करते हो ना आपके एजुकेशन लोन पे वो आप टैक्स रिबेट करके ले सकते हो अंडर सेक्शन एटी ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जहाँ पे आपने जितना इंटरेस्ट पे किया वो पूरे अमाउंट का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा फॉर अप टू पीरियड ऑफ मैक्सिमम एट ईयर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस नॉलेजेबल लगा तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू कल ही मैंने ना कार ली है अब कार ली है तो हंड्रेड परसेंट बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कर बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या स्टडी सेज दैट

हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है पेरेंट्स के लिए भी होता है गॉड फॉरवर्ड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा वो लोग कैसे रहेंगे हालांकि तो दे सकते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए बट वट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स विल पे यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है सम अश्योर्ड अमाउंट है वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजिली आपके जो भी लोन्स ईमआई चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं

बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग के लिंक दिए आपको लिंक पे क्लिक करना आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो